Welcome to the club. Burn up. Burn out. Burn, burn out. Burn up again. प्रभु की इच्छा पूरी करो, आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। मुझे है बलवान बनाया, सच्चाई से मेरी पहचान कराई। युद्ध जो मेरे लिए लड़ते हैं, दुश्मन को मेरे आगे से हटाते हैं। हाँ बच्चों, अब तक आप सब गीत सुन रहे थे जो मैं गा रही थी ना, देख सकती हूँ मैं। ठीक है, कैसे हो आप लोग, अच्छे हो ना? कार्यक्रम के शुरुआत में ही दीदी गाना गा रही है, क्यों गा रही है ऐसा आप सोच रहे हो ना? नहीं समझे आप? अभी तक नहीं समझे? ठीक है, ये शो देखकर जरूर समझ जाओगे। ओ, वल्ली। क्या है प्यारे? अरे क्या है ये, तुम्हें पता था कि मैं खाना खाने घर आने वाला हूँ, फिर भी तुमने कुछ भी नहीं बनाया। अरे जब तुमने कहा कि तुम खाना खाने यहाँ आ रहे हो, लगा कि तुम होटल से खाना लेकर आओगे। हाँ, क्या कहा, होटल से? दिन पर दिन तुम बिगड़ती ही जा रही हो। हाँ प्यारे, सुबह से मेरे लिए बहुत सारा काम था करने के लिए, और इसीलिए ये सोच के कि तुम होटल से खाना लेकर आओगे मैं सो गई थी। तुम्हारे पास करने को सिर्फ यही काम होता है और तुम इसका बड़ा तमाशा बनाती हो। ठीक है भूल जाओ ना, हमेशा मुझे डांटा मत करो ना। अरे अरे, मैंने सोचा था कि जो तुम बनाई होगी वो मैं खाऊंगा, पर यहाँ आने पर तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, इससे अच्छा तो मैं होटल में ही रुकता। छोड़ो ना प्यारे, हमेशा जो खाना बनाती हूँ वो खाने से बेहतर है कि बिरयानी खाओ मेरे हाथ की, बहुत ही अच्छी होगी। अरे बस करो, तुम हमेशा ऐसा ही कहती रहती हो मुझसे, पर मुझे हमेशा अपने होटल के लड़कों के हाथ की बनी बिरयानी खानी पड़ती है। क्या कर सकते हैं प्यारे, मेरे पास समय ही नहीं है। तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। अच्छा तुम्हारी सबसे मूल्यवान चीज कहाँ पर है? अरे प्यारे, सब मूल्यवान चीजों को ना मैंने अलमीरा में बंद कर दिया है, उन सबको मैं संभाल कर ही रखती हूँ। अरे जिसे जन्म दिया है उस मूल्यवान चीज की बात कर रहा हूँ, जो खरीदा है उसकी नहीं। हमारे बेटे की बात कर रहे हो प्यारे? हाँ, कहाँ है वो? प्यारे वो जिम गया है प्यारे। जिम गया है? अच्छा ये बताओ वो वहाँ क्यों जाता है? क्योंकि प्यारे वो कह रहा था कि उसको शैतान के साथ लड़ना है, उसके लिए उसे बलवान बनना है, और मैंने ही तो उसे जिम भेजा ना। अच्छा तो मेरी प्यारी, इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? कैसा लगा मेरा आइडिया? तुम्हारा आइडिया तो मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छा है। धन्यवाद प्यारे। अच्छा तुम्हें किसने बताया? प्यारे बलवान बनने के लिए जिम जाना पड़ता है ना, इसीलिए मैंने उसे वहाँ भेजा ना। अरे ठीक है, पहले काम करो, मुझे कुछ खाना दो, वो अभी आ जाएगा ना। हाँ ठीक है प्यारे, ठीक है प्यारे, क्योंकि तुम भूखे आए हो ना, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। जाओ। अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम आ गए? हाँ मैं वापस आ गया पापा, देखो देखो मेरी बाहें कैसी है। ये तो बहुत अच्छी है, पर तुम अभी जिम से आ रहे हो ना, पर तुम ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो, ऐसा लग रहा है कराटे क्लास से आ रहे हो। यही तो मेरा स्टाइल है पापा, जिम में जाने से खुद ब खुद मेरे अंदर आ जाता है ना। अच्छा अच्छा वो तो मैं समझ गया। अच्छा तुम ये बताओ, तुम तो जिम से भी आए हो, पर तुम्हारे बाल ऐसे खड़े क्यों हैं?
पापा, ये सब चीजें मेरे साथ हो रही है पापा, मुझे बहुत भूख लगी है पापा। ए, तुम अपने मम्मी के बारे में नहीं जानते क्या? वो अभी गई है खाना लाने के लिए, आधा घंटा तो लगेगा उसे। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें किसने बताया कि शैतान का नाश करने के लिए जिम जाना पड़ेगा? अरे वो तो मम्मी ने बताया पापा, उन्होंने कहा कि अगर मैं जिम गया ना तो बाहें मजबूत हो जाएंगी और मैं शैतान को एक मुक्के से मार दूंगा। अरे तुम अपने माँ की बातें सुनकर ऐसी सब चीजें मत किया करो, अगर तुम्हें शैतान का नाश करना है तो तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं। पापा मैंने अभी अभी 10,000 रूपए देके जिम ज्वाइन किया है। अरे वो तो ठीक है बेटा, पर तुम्हें शैतान का नाश करने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है हमारी अलमारी में एक काले रंग की किताब रखी हुई है। क्या, एक काले रंग की किताब? देखो कैसे सोच रहा है, जरूर उसने ही से दिया होगा। अरे बेटा बाइबल, बाइबल। हाँ 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 पापा, यही किताब आप मुझे चर्च ले जाने के लिए कहते हो ना? अरे बहुत बढ़िया, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत मजबूत है। उस किताब को लिया करो और रोज वजन पढ़ा करो, तो फिर अपने आप ही तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी। अरे बाइबल के वचन पढ़ने से मुझे शक्ति कहाँ से मिलेगी? अरे वो तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगी, पहले तुम जाकर बाइबल के वचन पढ़ो, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और एक बात सुनो, तुम बेटा अपने इस शरीर से शैतान को नहीं पराजित कर सकते, समझ गए तुम? तो फिर मैं किस तरह से करूँगा? अरे बच्चे तुम्हारे अंदर अंदर एक और मनुष्य है। मेरे अंदर? मेरे अंदर कौन है पापा? कोई नहीं मेरे अंदर पापा। अरे तुम्हें ऐसे आसानी से नहीं बोलना चाहिए बच्चे, तुम्हारे अंदर एक आत्मिक मनुष्य है, अगर वो मनुष्य शक्तिशाली होगा तभी तुम शैतान को पराजित करोगे, क्योंकि शैतान तुम्हारे साथ नहीं लड़ने वाला है। तुम्हारे अंदर जो आत्मिक मनुष्य है ना, वो उसके साथ लड़ाई करेगा, तो उसे शक्तिशाली होना चाहिए ना। हाँ पापा, हाँ पापा। पापा आज से आप काम पर मत जाओ, मम्मी को भेजो, वो हमेशा मुझे गलत चीजें सिखाती है, मेरे साथ रहो और मुझे सही सिखाओ पापा। ऐसा नहीं कहते बेटा, मम्मी को नहीं पता है। ठीक है छोड़ो, आज के बाद से मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। अब तुम मुझे बताओ, शैतान को पराजित करने के लिए किसे शक्तिशाली होना चाहिए, तुम्हें और किसे? पापा आपने मुझे पहले ही सिखा दिया है, आत्मा को शक्तिशाली होना जरूरी है। इसके बाद मैं वचन पढ़ूंगा और पढ़ पढ़ के मैं बड़े मसल बनाऊंगा और शैतान का नाश कर दूंगा एक मुक्के में ही। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है बच्चे, और मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। चलो चलो खाते हैं। मुझे भी भूख लगी पापा, चलो जाके खाते हैं। हाँ चलो चलो चलो। क्या दोस्तों, आप सबने पपेट शो देखा? अब आपको समझ में आया होगा कि मैं वो गीत क्यों गा रही थी। आप सबने उस लड़के को देखा, वो शैतान पर विजय पाने के लिए वो लड़का जिम जा रहा था और बहुत सी चीजें कर रहा था, है ना? पर उसके पापा उसे क्या कहते हैं कि शैतान का नाश करने के लिए अंदर के मनुष्य को प्रभु के बल से मजबूत करना होगा, ऐसा कहा उन्होंने। हाँ दोस्तों, यदि आपको शैतान का नाश करना है, आप सबके अंदर आपके जैसा ही एक व्यक्ति है, पता है, वो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। इस मनुष्य को क्या करना है, प्रभु के बल के साथ मजबूत बनना है। कैसे मजबूत बनना है यही सोच रहे हो ना आप? इसी विषय में मैंने अपने दोस्तों से बात की है, ध्यान से सुनना है, इसे सुनते हैं। बच्चों कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? हेप्सी कैसी हो तुम? अच्छी दीदी। अच्छी हो ना? खाना खाया तुमने? खाया दीदी। क्या खाया तुमने? अरे रे भूल भी गई। इडली डोसा। इडली या डोसा? डोसा। डोसा खाया। कितने डोसे खाए तुमने? हाँ तुम्हारी गिनती बढ़ती जा रही है। दो खाए। बढ़िया है, बढ़िया। लिपस्टिक लगा कर तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो ना हेप्सी? बढ़िया। यीशु पिता की बच्ची हो ना? हाँ। यीशु पिता के बच्चों को हमेशा कैसे होना चाहिए? खुश होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए, और प्रभु में हमें मुस्कुराकर खुश होना चाहिए, ठीक है ना? ये क्या है, ये गिटार यहाँ क्या कर रहा है? किसका है? मेरा है दीदी। किसका है? तुम्हारा है। हाँ। क्या तुम बजा लेती हो इससे अच्छे से? हाँ, वाह बढ़िया है। तो क्या तुम इसे बजाओगे? तो सिर्फ बजाना काफी नहीं होगा, साथ में गाना भी पड़ेगा ना। हाँ दीदी। तो साथ में गाओगे कि क्या करोगे? मेरा भाई गाएगा दीदी। अच्छा भाई गाएगा और तुम बजाओगे, है ना? बढ़िया। तो क्या हम इन्हें सुन सकते हैं?
कौन सा गीत गाने वाले हो? प्रभु आशीर्वाद दो। ठीक है, बढ़िया, चलो गाओ। Bless the Lord, oh my soul. ताली बजाएं हम। बहुत बढ़िया तरीके से बजाया और बहुत बढ़िया तरीके से गाया भी। बहुत अच्छे से सीखे हो तुम, कहीं क्लास जाते हो क्या? हाँ दीदी। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। यीशु पिता ने क्या किया है, अपने बच्चों को बहुत सी प्रतिभाएं प्रदान की हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। हेप्सी तुम क्या करती हो बताओ जरा? गीत गाती हो या नाचती हो, क्या करती हो? नाचती हूं दीदी। नाचती हो तुम, देखा तुमने, हेप्सी नाचती है। एक दिन मैं तुम्हें नाचते हुए देखना चाहती हूँ, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। कौन सा विषय है वो? एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आप सब अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता हो ना? हाँ दीदी। तो इतना संदेह क्यों हो रहा है, साहसी होकर बोलो ना तुम लोग। आप अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता हो या नहीं हो? हाँ दीदी। हाँ ठीक है, तो आपके अंदर के मनुष्यों को प्रभु की शक्ति से मजबूत बनाना है। आपका दुश्मन कौन है? शैतान। कौन है आपका दुश्मन? शैतान। डर नहीं लग रहा है? शैतान का नाम साहस से बोल रही हो, वो तुम्हें कुछ कर देगा, इसका डर नहीं है? तुम्हारा दुश्मन शैतान है ना? हाँ। ठीक है, तो शैतान के साथ आप लोग युद्ध लड़ने वाले हैं। तो युद्ध लड़ने के लिए आपको बलवान होना जरूरी है कि नहीं? बलवान होना जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? अच्छे से बाइबल पढ़ना होगा। अच्छे से बाइबल पढ़नी है। अच्छे से बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, ये सब करना है। और हम कुछ जरूरी बात, हाँ हमें गाना भी है। और कुछ लोग तो ये भी कहते, पता है क्या कहते हैं? अच्छी तरह से खाना खाना है, अच्छी तरह से खाना खाना है, अच्छी तरह से जिम में जाना है। जब उनसे पूछा जाए क्यों, तो वो कहेंगे कि तभी तुम शैतान को पराजित कर सकोगे, ऐसा बोलेंगे वो लोग। पर ना, बाइबल में एक वचन है, क्या हम उस वचन को देख सकते हैं? इफिसियों की किताब से 3:16 मैं पढ़ूंगी, आप अच्छे से सुनोगे? ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, आप बाइबल में इसे अच्छे से देखिए। कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। यहाँ पर तुम शब्द कहा गया है। तुम मतलब कौन है? हम है दीदी। हम है, हमारे विषय में बात हो रही है ना। उनकी आत्मा के द्वारा, किसकी आत्मा? प्रभु की आत्मा। प्रभु की आत्मा के द्वारा अंदर के मनुष्य में, अंदर का मनुष्य मतलब क्या? आत्मा या प्राण। अंदर का मनुष्य बिल्कुल आपके जैसा दिखेगा, जैसे कि हेप्सी ऐसी दिखती है, तो हेप्सी की आत्मा भी लिपस्टिक पहनी हुई होगी, तुम्हें नहीं पता? ठीक है, जैसी हेप्सी है वैसे ही उसका अंदर का मनुष्य होगा। तो ये अंदर का मनुष्य किसके बल से मजबूत होगा? प्रभु के आत्मा के बल से मजबूत होगा। किसके बल से मजबूत होगा? प्रभु के बल से। प्रभु के बल के द्वारा मजबूत होगा। अपने अंदर के मनुष्यों को मजबूत करना है प्रभु के बल से, ऐसा प्रभु क्यों कहते हैं बताओ मुझे? शैतान का नाश करने के लिए। वाह, आप कितने बढ़िया बच्चे हो, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। हाँ, तो हम किसके विरुद्ध लड़ने वाले हैं? शैतान के विरुद्ध लड़ने वाले हैं। इफिसियों के 6:12 में इसका उत्तर है, ठीक है ना? और यह है उसका उत्तर, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमें उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से लड़ना है जो आकाश में है। तो वहाँ एक
युद्ध है। अब यदि शैतान आपके शारीरिक शक्ति को देखेगा या नहीं, वो आपकी आत्मा और अंतर्मन पर जरूर हमला करेगा और वो योजना बनाएगा कि वो आपको किसी तरह नरक में लेकर जाए। ऐसा करेगा और यदि आपका अंदर का मनुष्य प्रभु के बल से जो मजबूत नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप विफल हो जाओगे उन सब परीक्षाओं में जो वो लेकर आता है। हाँ, आप विफल हो जाओगे। वो जितने पाप लेकर आएगा, आपके साथ क्या होगा? आप गुलाम बन जाओगे, उन पापों में जरूर पड़ोगे। पर आप जो अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता हो, आपको किसके बल से मजबूत होना है? प्रभु के बल के द्वारा और प्रभु की आत्मा के द्वारा आपको मजबूत होना है। जब आपके अंदर का मनुष्य प्रभु के बल के साथ और प्रभु के आत्मा के साथ मजबूत हो जाता है, शैतान चाहे जो भी चीज लेके आए, जो भी परीक्षाएं लेके आए, आप क्या होगे? आसानी से हर जगह विजय हो जाओगे। ठीक है ना? ठीक है, प्रभु के बल के साथ और प्रभु की आत्मा के साथ मजबूत होना है। कैसे मजबूत होंगे हम? बाइबल पढ़ के दीदी। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हम प्रभु की आराधना करते हैं। ठीक है ना? ठीक है, जब मैंने हेप्सी से पूछा कि उसने क्या खाया है, तो उसने क्या कहा? डोसा खाया, ऐसा कहा ना? जब मैंने उसे पूछा कितने डोसे खाए, उसने दो डोसे खाए, ऐसा कहा ना? जब वो अपनी शारीरिक शक्ति के लिए दो डोसे खाती है, तो उसके अंदर के मनुष्य को तंदुरुस्त होना चाहिए। उसके लिए उसे क्या खिलाना होगा? कितने अध्याय पढ़ने होंगे उसे? कम से कम दो। हाँ, जोर से बोलो, कितने अध्याय पढ़ने हैं? दो अध्याय। हाँ, दो अध्याय पढ़ने ही चाहिए। जैसे तुम अपने शरीर को खुराक देते हो, उसी तरह से तुम्हें अपनी आत्मा के लिए क्या करना है? बाइबल की खुराक देनी है। जैसे तुम बाइबल को पढ़ते पढ़ते और पढ़ते रहोगे ना, आपके अंदर जो मनुष्य है ना, वो प्रभु के बल से मजबूत हो जाएगा। प्रभु की आराधना करनी है, अपने आप को भूल कर भी प्रभु की आराधना करनी है, अच्छे से प्रार्थना करनी है। कम से कम 30 मिनट या एक घंटे के लिए आपको प्रार्थना करनी है। आप अन्य भाषाओं में बोल सकते हो ना? बोल सकते हो ना? कम से कम आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए आपको अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी चाहिए। और जब आप ये सब करोगे, आपके अंदर का मनुष्य प्रभु के वचन के द्वारा मजबूत हो जाएगा। जब वो मजबूत हो जाएगा, तो आप अच्छे से, आसानी से आपके दुश्मन शैतान को पराजित करोगे। ठीक है ना? और आने वाले दिनों में, आज से ही आपको बहुत सा समय किस चीज में बिताना है बताओ मुझे? अधिक से अधिक समय बाइबल पढ़ते हुए बिताना है, और फिर क्या करना है? प्रार्थना करनी है, और अधिक से अधिक समय प्रभु की आराधना करनी है। अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता होने की वजह से आपको सिर्फ दर्शन नहीं देखने हैं और प्रभु की आवाज नहीं सुननी है। अंदर के मनुष्य के लिए आपको क्या प्रयास करने हैं? प्रभु की आत्मा के बल से उसे मजबूत करना है। ठीक है ना? तो आज के बाद यही करोगे ना? हाँ दीदी। दोस्तों, क्या आप सबने सुना? और अब तो आप समझ ही गए हो ना? हाँ, आपका दुश्मन शैतान है, और उसके साथ अच्छी तरह से लड़ने के लिए हमारी शारीरिक शक्ति से ज्यादा हमें जरूरी है कि हमारे अंदर के मनुष्य को प्रभु के बल की शक्ति से मजबूत करें। हाँ, ये मजबूत करने के लिए, जैसे मैंने कहा, आपको क्या करना है रोज बताओ मुझे? आपको बाइबल पढ़नी है, पढ़ते पढ़ते आपको प्रार्थना भी करनी है और प्रभु की आराधना भी करनी है, और तभी आपके अंदर का मनुष्य जो है, वो प्रभु के बल के द्वारा मजबूत हो जाएगा। और जैसे आप मजबूत हो जाते हैं, अपने दुश्मन शैतान के साथ आप क्या कर सकते हैं? उसका नाश कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आज के बाद क्या करना है? प्रभु के वचन में मजबूत होने का प्रयास करना है। आप बाइबल थोड़ी देर के लिए पढ़ते हो, उसके बाद बंद कर देते हो, और उसके बाद संडे को ही बाहर निकालते हो। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता हो, और आप जैसे अंतिम दिनों के भविष्यवक्ताओं को प्रभु के वचन में मजबूत होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं कि यीशु पिता, हम आपके वचन द्वारा मजबूत हो जाए, ऐसी प्रार्थना करने वाले हैं कि वो ऐसी आत्मा हमारे अंदर प्रदान करे, ऐसा हम उनसे मांगने वाले हैं। तो ऐसी प्रार्थना हम करेंगे। चलो आप भी प्रार्थना करो। तो बच्चों, आप सब तैयार हो प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ? बहुत बढ़िया। घुटने टेक दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए, बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके यीशु पिता की तरफ देखिए, और हम अभी प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर का मनुष्य मजबूत हो जाए प्रभु के बल से। ये हम यीशु पिता से मांगने वाले हैं। हेप्सी हमारे लिए प्रार्थना करेगी, हम भी उसके साथ प्रार्थना करेंगे। ठीक है?
स्तुतियों स्तुतियों हमारी रक्षा कीजिए यीशु पिता हमारे अंदर के मनुष्य को आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता हम सबको बाइबल पढ़नी चाहिए यीशु पिता सबको बाइबल वैसे ही पढ़नी चाहिए जैसे मैं पढ़ती हूँ यीशु पिता वैसे ही बाइबल पढ़नी चाहिए यीशु पिता सबको मेरी तरफ प्रार्थना करना चाहिए यीशु पिता जैसे जैसे मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी रक्षा कीजिए यीशु पिता रक्षा कीजिए उनको अपना अनुग्रह प्रदान कीजिए यीशु पिता अपनी दया प्रदान कीजिए यीशु पिता उनको सब चीज के साथ आशीर्वाद दीजिए उनको अच्छी तरह से प्रार्थना करना चाहिए प्रभु विनती करती हूँ यीशु पिता उनकी रक्षा कीजिए और उनको प्रार्थना करने में मदद कीजिए मदद कीजिए यीशु पिता रेबे शेखे रेबे रेहे रेबे रे शेरे खेरे बारा श्री बारा उरी जी बारा शिखिला बाला बारा बारा श्री बारा हरा बारा श्री ओ शिखिला लाला बारा हरा बारा श्री बिरी खेरे बारा बा आमीन यीशु पिता हमारे अंदर के मनुष्य को आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हमारे अच्छे पिता आमीन। दोस्तों क्या आप सबने प्रार्थना की तो अब क्या आपको लगता है कि आपको एक अच्छा प्रोत्साहन मिला? हाँ तो ऐसे ही प्रार्थना करते करते बाइबल पढ़ते पढ़ते आपका अंदर का मनुष्य प्रभु के बल से मजबूत हो जाएगा। अब जैसे आपने प्रार्थना की है आप प्रभु के बल से मजबूत हो गए है ना? सच कहा ना मैंने? तो आपने बहुत से दर्शन देखे होंगे और यीशु पिता ने आपसे बात की होगी और बहुत से अनुभव प्राप्त हुए होंगे आपको। इसके बाद आपको क्या करना है पता है ना? चलो मैं बताती हूँ आपको मुझे क्या लिख भेजना है। लेटर द्वारा या मेल द्वारा चाहे कोई भी तरह से आपको मुझे अपने अनुभव बताने हैं। इस पूरे हफ्ते आपको अपने अंदर के मनुष्य को प्रभु के बल के द्वारा मजबूत करना शुरू करना है ठीक है ना? अगले हफ्ते मैं आपको मिलती हूँ। बाय। Angel TV, Willy Wonka.